नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? अरिंदम रिव्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू करने वाले हैं हम TP-Link का 300 Mbps वायरलेस राउटर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये राउटर का मॉडल नंबर है WR841N। ये 300 Mbps तक का स्पीड सपोर्ट करता है और इसमें मल्टी स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है, मीमो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। इसके जरिए आप मल्टीपल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी में भी स्ट्रीम कर सकते हैं आसानी से। इसमें चार ऑपरेशनल मोड दिए गए हैं जो मैं समझा देता हूँ। पहला तो राउटर मोड है, जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन को कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइस और वायरलेस डिवाइस में ये ट्रांसमिट कर देते हैं। दूसरा है इसका खास बात कि ये रेंज एक्सटेंडर के काम आ सकते हैं। मतलब आपका कोई एग्जिस्टिंग पुराना राउटर है और जिसका रेंज आप एक्सटेंड कर सकते हैं सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या आपका घर में जहाँ पे इंटरनेट वाईफाई नहीं आ रहे, तो उसमें आप इस राउटर को वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए और वो आपका ओरिजिनल राउटर का सिग्नल को बूस्ट कर देगा। तीसरा है इसका एक्सेस पॉइंट मोड, जहाँ पे आपका एक एग्जिस्टिंग राउटर है और उसको आप वायर के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर में, और तब ये राउटर और एक ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल भेज देगा और इट ये एक्सटेंडर के तरह ही काम करेगा, बट ये वायर्ड राउटिंग पाथ से होगा। अब चौथा है एक मोड जिसमें आपका नेटवर्क कवरेज अगर नहीं है किसी किसी जगह में आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वायर के जरिए, तो वो वायरलेसली वो पकड़ लेता है। जैसे कि एयरटेल जियो का कनेक्शन अगर आपको लेना है तो वो वायरलेस ही ले लेगा और आपको ट्रांसमिट कर देगा। तो बिना देरी के ये चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमको। ये हो गया अनबॉक्सिंग। बॉक्स में ये सारे चीजें मिलते हैं। पहला तो ये राउटर मिलता है आपको दो एंटेना बैंड के साथ, जो 5 डेसिबल हाई गेन एंटेनास है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एंटेना खोलने के बाद हमको कुछ पोर्ट्स और कुछ बटन दिए गए हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पोर्ट है वो पावर एडाप्टर पोर्ट जो ब्लैक में है। दूसरा है इंटरनेट केबल RJ45 जैक, जहाँ पे आपका इनपुट इंटरनेट कनेक्शन आएगा। बाकी पीला वाला 4 पोर्ट है जो आउटपुट लैंड पोर्ट्स हैं, जिसके जरिए आप वायर के मदद से अपना कंप्यूटर और दूसरा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बटन है जिसको लॉन्ग प्रेस करने पर आपका WPS एनेबल हो जाएगा, जो कि विदाउट पासवर्ड वाईफाई राउटर से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जो कैपेबल है WPS कनेक्शन लेने का। और अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वही बटन से आपका राउटर रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसका पावर ब्रिक, जो कि 3 पिन है और इसमें अर्थिंग पिन प्लास्टिक दिए गया है। और ख़ास बात यह है कि इसका पावर एडाप्टर 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का यूजुअली रहते हैं, और इसका एम्पियर रेटिंग है 0.6 एम्पियर, मतलब कि 5.4 वाट्स का पावर ड्रॉ करेगा। और इसके बाद आते हैं ये RJ45 कनेक्टर, जिसके दोनों तरफ ही RJ45 का ही जैक दिया गया है। एक साइड राउटर में लगने वाला है ब्लू पिन में और दूसरा वाला साइड लैपटॉप या कंप्यूटर का RJ45 जैक में आने वाला है। इसके बाद आते हैं इसका क्विक इंस्टॉलेशन गाइड TP-Link के तरफ से, जिसके अंदर आपको मिलेगा सारे जानकारी कैसे राउटर को सेटअप किया जाए और क्या क्या मोड्स है इसके अंदर। अगर आपका कोई सवाल है इस राउटर के बारे में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं जवाब दे दूंगा। अब आते हैं ये इस राउटर के प्राइस पे। ये राउटर ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन में मिलते हैं 899 रुपीस में। तो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा राउटर है 2 बेडरूम घर के लिए।
अप टू 1000 स्क्वायर फीट ये कवर कर सकते हैं, और नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट। अगला वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इस राउटर को सेटअप कर सकते हैं। दो तरीका है सेटअप करने के लिए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।